नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 फ्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर बहराइच से। बहराइच में आज बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य ने किया शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। जी हां, खबर है जनपद बहराइच से। बहराइच के जनपद के सभी ब्लॉक क्षेत्र के बीडीसी पंचायत सदस्यों ने किया डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। बयान सूत्र मांग को लेकर बैठे धरने पर तीन मुख्य मांग को लेकर डटी बीडीसी पंचायत सदस्य और बहराइच सिटी मजिस्ट्रेट को बीडीसी पंचायत सदस्यों ने 8 सूत्रों की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। वहीं बीडीसी सदस्यों की मांग न पूरा होने पर करेंगे सरकार के विरोध बड़ा आंदोलन। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। हाँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवनीत शुक्ला जी द्वारा प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ की तरफ से आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी देना है। हमारी मुख्य मांगें दो हैं, जिसमें बीडीसी भाइयों का विकास निधि न होना, इस सापेक्ष में 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष विकास निधि व 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय। हम लोगों की दो ये मुख्य मांगे हैं, प्लस 8 सूत्र मेरा ज्ञापन है, जिसमें अन्य सुविधाएं हैं, जैसे कि लाइसेंस में, शस्त्र लाइसेंस में सुविधा होनी चाहिए, ब्लॉक आने जाने पर दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए बीमा होना चाहिए, और पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, और ब्लॉक पर मीटिंग होने पर 500 रुपए भत्ता दिया जाना चाहिए। इस समय जब से भी बीडीसी का चुनाव हुआ है, तब से बीडीसी का कभी कोई विकास निधि न होने के कारण हम लोगों को जनता में अपमानित होना पड़ता है। हम लोग भी चुनाव जीत करके जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, सभी जनप्रतिनिधि की भांति हम लोगों का भी सरकार द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपना अधिकार पाने के पात्र हैं। हम लोगों को भी जनता वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनती है। जब कोई विकास निधि नहीं है तो हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में आज एक दिवसीय ज्ञापन का कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। अगर आपकी मुख्य मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हमारा संगठन जो भी कहेगा वो करेंगे, और यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन होगा और अपनी मांगों को मंगवाया जाएगा, चाहे जैसे। हमारी सर्वप्रथम माननीय केंद्र गवर्नमेंट व यूपी गवर्नमेंट से ये मांग है कि जिस तरीके से ग्राम प्रधान जिस तरीके से हाथ जोड़कर पांव पकड़कर वोट मांगते हैं गांव में, उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत, जिसको आप लोग बीडीसी कहते हैं, ये लोग भी जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पायन गिरते हैं, वादा करते हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट 10-20 हज़ार की लालच देखी, फरार कर दिया, इनको किनारे कर दिया। दूसरी बात, अब जब हम लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, 10 लाख की हमारे मांगे हैं, हमारे अभी जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष हम लोगों का विकास निधि देना चाहिए, 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देना चाहिए, पेंशन व्यवस्था करना चाहिए। क्या हम प्रधान से कम मेहनत किए हैं? हमारे प्रधान बीडीसी संघ कम मेहनत किया है जो है गांव के अंदर, वैसे ये बीडीसी हो गए, ये लोग भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए हैं। इसलिए हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली से लेके गाजियाबाद से और बहराइच तक हिला कर रख देंगे हम लोग। अगर आप लोग की मांगे तो हम लोग 2022 में इसका बदला लेकर दिखा देंगे। बीडीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीडीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। यदि हम लोगों का
यदि हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया इस गवर्नमेंट में तो हम जितने प्रदेश देश प्रदेश के पीडीसी हैं, मैं तख्ता पलटने की हिम्मत रखता हूँ। मैं जात दिला दूंगा, लोहे से लोहा बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा गवर्नमेंट की। आपकी क्या मांग है? जो हमारे संगठन द्वारा मांग है यही हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपए की विकास निधि दी जाए और हम प्रतिवर्ष विकास निधि जाए और हमारे बीडीसी भाइयों को 5,000 रुपये महीना वेतन प्रतिमाह वेतन दिया जाए और सशस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था की जाए। दुर्घटना बीमा, अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम यहां से लखनऊ दिल्ली तक जैसा हो सकता है वैसा धरना करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे।